आज हम पढ़ेंगे जूलॉज का एक महत्वपूर्ण टॉपिक प्रोटोजोआ का आर्थिक महत्व, इसके लाभदायक और हानिकारक दोनों महत्व हैं। पहले देखते हैं लाभदायक महत्व। पहला है स्वास्थ्य रक्षा। कुछ प्रोटोजोआ का आवास गंदा पानी और अपशिष्ट पदार्थ युक्त तो जल होता है, यानी कि ये गंदे जल में पाए जाते हैं। ये जल में मल व हानिकारक अपशिष्ट पदार्थों का अपघटन कर देते हैं, यानी कि इनको विघटित कर देते हैं तथा मल को सड़ने से बचाकर हानिकारक बीमारियों से जीव की रक्षा करते हैं। दूसरा, जल का शोधन। तालाबों और जलाशयों में उपस्थित हानिकारक जीवाणुओं का भक्षण कर जल में उपस्थित कार्बनिक पदार्थों को सड़ने से रोकते हैं, यानी कि जल में अनेक हानिकारक बैक्टीरिया पाए जाते हैं, उनको प्रोटोजोआ के सदस्य नष्ट कर देते हैं और जल में कार्बनिक पदार्थों को सड़ने से रोकते हैं। प्रयोगशाला में अध्ययन। इस संघ के प्राणी एक कोशिकीय होते हैं, जिसके कारण इनकी तुलना बहुकोशिकीय प्राणियों से करके अध्ययन करने में सहायक है। तो इनका अनुवंशिकता, विभिन्नता, उत्पत्ति और विकास में अध्ययन किया जाता है बहुकोशिकीय प्राणियों से इनकी तुलना करके। चौथा, सहजीवी प्रोटोजोआ। ट्राइकोनिम्फा और पोलोनिम्फा आदि दीमक की आड़ में पाए जाते हैं। ये प्रोटोजोआ के सदस्य हैं जो सेलुलोज को ग्लाइकोजन में बदलकर भोजन के पाचन में सहायता करते हैं, क्योंकि दीमक का मुख्य भोजन जो है सेलुलोज होता है और सेलुलोज के पाचन में ये ट्राइकोनिम्फा और पोलोनिम्फा दोनों सहायक हैं। अब है प्रोटोजोआ का हानिकारक महत्व। प्रोटोजोआ या तो स्वतंत्र जीव होते हैं या परजीवी होते हैं। परजीवी प्रोटोजोआ या तो शरीर के अंदर होते हैं या शरीर के ऊपर निवास करते हैं। ये परजीवी प्रोटोजोआ परपोषी से भोजन प्राप्त करते हैं और अनेक हानिकारक पदार्थ व विष परपोषी के शरीर में छोड़ देते हैं, जिससे अनेक प्रकार की बीमारियां हो जाती हैं। इसके अलावा अनेक प्रकार के प्रोटोजोआ जो विभिन्न प्रकार की बीमारियां फैलाते हैं उनकी एक सारणी है। परजीवी या रोगकारक का नाम, परपोषी में संक्रमित स्थान, रोग का नाम और परजीविता का प्रकार। तो कौन सा परजीवी कहाँ पाया जाता है और क्या रोग फैलाता है? पहला है एंट अमीबा जिंजिवेलिस। ये मुंह के अंदर मशरूम को संक्रमित करता है और इसे पाइलिया रोग हो जाता है। ये एक कोशिकीय होता है, यानी कि केवल मनुष्य के अंदर ही पाया जाता है। ट्राइकोमोनास होमिनिस, ये बड़ी आंत में पाया जाता है और इससे दस्त और अमीबियासिस रोग हो जाता है और एक कोशिकीय होता है। गियार्डिया लेमलिया आंत के अगले भाग में पाया जाता है। दस्त, सिर दर्द और पीलिया हो जाता है, ये भी एक कोष की होता है, यानी केवल मनुष्य में ही पाया जाता है। लिस्मानियम रुधिर यकृत व पलिया में पाया जाता है और ये काला आजार रोग इससे होता है। और परजीवी ये द्विपोषकीय होता है, एक तो मनुष्य में और दूसरा बालू मक्खी सेंड फ्लाई जो वाहक परपोषी का काम करती है। ट्रिपेनोसोमा, इसमें रुधिर हृदय पेशियां व केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को ये संक्रमित करता है और इससे रोग जो होता है वो निद्रा रोग और चगास रोग होता है। परजीवी ये द्विपोषकीय होता है, शीशी मक्खी इसकी वाहक परपोषी होती है और दूसरा मनुष्य होता है। प्लाज्मोडियम की अनेक जातियां जो मनुष्य में मलेरिया रोग पैदा करती है, ये आरबीसी व लीवर को संक्रमित करती है। रोग का नाम मलेरिया। परजीविता द्विपरपोषकीय होता है, यानी कि दो जीवों में अपना जीवन यापन पूरा करता है, जीवन चक्र दो परपोषी में पूरा होता है। मच्छर इसका वाहक परपोषी होता है।